व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आपस लीड कटिंग। तो आज व्यूअर्स मैं आपको बड़े गोश्त का कीमा और मैली की रेसिपी भी बताऊंगा और ये बना के भी बताऊँगा। स्टार्ट करते हैं, आए मेरे साथ। कीमा आपका बना रहे हैं और मैली साथ डाले और इसमें ये रोगन हमने डाला जो ये खाने वाला डाला है रोगन। आपका कीमा और मैगी जो है ना बहुत मजे की बनती है। ये भी और आपका कीमा जो था ना ये थोड़ा मोटा मोटा रखते हैं क्योंकि इसमें डाल दी हमने साथ डाली, क्योंकि बारीक अगर करें ना मशीन का, मशीन हमारे पास अवेलेबल है इसलिए हमने मशीन करी, क्योंकि इसमें डालनी है नली हमने बोंग, तो फिर मज़े का नहीं होता। आज का कीमा एक तो कुदरती जायका भी होता है और दूसरा वो मज़े का भी होता है। ये भी बस हमारा ये कीमा रेडी हो गया जितना हमें चाहिए था वो हमने कर दिया। ठीक है व्यूअर, तो बाकी इंशाल्लाह अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं व्यूअर और आपको इसकी रेसिपी बताएंगे ये बनाना किस तरह, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी और जायके वाली। ठीक है व्यूअर, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये आपने कीमा डाल दिया जो हाथ से बनाया था हमने। ठीक है, अभी इसमें डालेंगे अभी ये अपनी भोंग हमने रखी थी, ये भोंग डालेंगे दोस्तों। ये भोंग चेक करें, भोंग बहुत आउट क्लास की है और कीमा ये हमारी अपनी शॉप है, मेरे कज़न ने उनसे लिया था और ये हमने रखी। ये कीमा आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा इसके अंदर। ठीक है, और इसमें हमें डालना है आधा जग पानी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ हमने डालना है प्याज दोस्तों, इसी में बीच में ये ठीक है दोस्तों, और बाकी नमक मिर्च इसमें डालेंगे असबे ज़रूरत, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और फिर इसको हमने देना दम, ये दोस्तों दो चम्मच सुरख मिर्च इसमें, तो ये एक चम्मच सूखा धनिया, आधी चम्मच हल्दी। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम बंद कर देंगे, इसको मसाले को मिक्स करके बंद कर देंगे। जब ये पानी इसका थोड़ा सा कम हो जाएगा दोस्तों, फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। ठीक है दोस्तों, बाकी आप बने रहें मेरे साथ वीडियो में, बाकी आगे आपको बताते हैं इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हमारा तकरीबन काम 20 मिनट का रह गया, नज़दीक लग गया। ये हमने नली शरी डाली हुई थी, सारा कुछ भोंग शोंग इसमें डाली हुई है, तो अभी ये इसको 15-20 मिनट और हैं कम से कम, क्योंकि ये पानी इसका सूखेगा फिर हम इसमें डालेंगे ऑयल, घी या ऑयल, फिर इसको भुनेंगे 10 मिनट और। अच्छा, क्योंकि ये भोंग है ना, फिर भोंग इसका भोंग निकालेंगे और इसका भोंग को इसी के बीच में डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे बाकी भोंग ही निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, बस हम असल में आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ दोस्तों, कैमरा मैं अपने हाथ से चला रहा हूँ, दूसरे हाथ से कढ़ाई, और आज मेरा वो बड़ा जो चूल्हा है ना दोस्तों, इस कढ़ाई के नीचे जो आता है स्टैंड पूरा, उससे कढ़ाई हिलती नहीं, वो आज थोड़ा सा ख़राब हुआ है,
इस वजह से अकेला भी था तो टाइम नहीं मिला, तो ये छोटा चूल्हा रखा हुआ है, इसको बड़े ध्यान से ना साथ चलाना पड़ता है, नहीं तो दोस्तों सारी मुकम्मल जिस तरह का मैं आपको आगे वीडियो बताता हूँ तो साथ साथ चलती रहती है वीडियो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि प्याज वगैरह लहसुन वगैरह हमने काटना होता है, वो फिर अकेला था और स्टैंड मेरे पास है नहीं। तो दोस्तों आपकी बड़ी मेहरबानी, आपसे अपील है आपके भाई की, आपका उस राजा नहीं की रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरी वीडियो को लाइक किया करें और सब्सक्राइब किया करें, और ज़रूर सब्सक्राइब किया करें दोस्तों, आपके तामन की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका। तो अभी ये जो बोंग है ना, इसका ये काम अभी बन गया, तकरीबन 15 मिनट अभी भी रहती है, देख रहे 15 मिनट में ये पानी ख़त्म होगा और ये बोंग भी ठीक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे भुनेंगे दोस्तों फिर आपको भूनते हुए दिखाएंगे, ठीक है ना। ये दोस्तों अभी मेरे भाई एक आए हैं, उनको मैंने बोला यार 2 मिनट इधर पकड़े, ये कैमरा मारे जरा, मैं इसी लिए उसको रहा था। अब आलू सही तरह कर दिया, दोस्तों हमारी बोन तकरीबन नज़दीक हो गई है, इधर हमारे भाई कैमरा बोंग थे। ये दोस्तों ये हमारी तकरीबन बोंग जो था ना, पान के पास 10 मिनट इसको और चाहिए, फिर इंशाल्लाह बोलते हैं, फिर आपको बताते हैं कितने दिन। इसको आज मैं अकेला था असल में, तो बस दूसरा ही मैंने आपको बताया ना मेरी प्रॉब्लम कि आज नहीं, वो कड़ाई भी क्यों लाना थी वो ढीला हुआ वो सब, इस वजह से दोस्तों मेरा साथ साथ नहीं बता सका, लेकिन ये रेसिपी मैंने आपको बता दी है और मजीद मैं लिखे सकता डिस्क्रिप्शन में इसकी रेसिपी भेजूँगा आपको। कीमा तो सारी बनाते हैं, लेकिन ये जो हमने बनाए हैं इसे हम बोलते हैं टका टाकी, जिसे ये लोही कीमा बनता है, इसमें इसको हमने इस तरह दम देना होता है, ये इसको दम देना होता है, ठीक है ना दोस्तों। बस दोस्तों आप ये मेरे भाई हैं जी दोस्तों छोटा, वो इनको मैंने बोला ये जा रहे थे घर की तरफ, मैंने बोला यार 2 मिनट ज़रा रुकें आप, वो मेरी ये वीडियो ज़रा बना दें क्योंकि आज बिल्कुल अकेला हूँ। ये दोस्तों शॉप पे ही हूँ मैं, तो अभी ये हमने दम दे दिए बस 10 मिनट तक, और इसको उठाएंगे और भूनेंगे। ठीक है दोस्तों, बस मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है दोस्तों कि बस सब्सक्राइब करें और लाइक करें ज़रूर, ठीक है दोस्तों, तो बने रहे वीडियो में मेरे साथ। ये दोस्तों आप अपनी बनाई करने लगे, अब इसकी हम बनाई जा रही है, अब ये सो गया हुआ है दोस्तों, अभी हम इसकी 10 मिनट अच्छे से बनाई जा रही है। मैंने बनाई शुरू कर दी है, 5 मिनट हमें इसकी 5 मिनट बनाई करें अच्छे से, ये बनाई होगी ठीक है, बस 5 मिनट दो, फिर इसकी गार्निश करेंगे दोस्तों धनिया के साथ, ये दोस्तों हमारी बनाई होगी। अब हमने
आँच को बिल्कुल हल्का कर दिए, इसके ऊपर ऑयल लाने के लिए तरी आ गई, तो फिर दोस्तों हम गार्निश करेंगे तरी की। ये हमारा कीमा रेडी है, ये लोरी कीमा हमारा रेडी है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हमारा ये कीमा रेडी हो गए। अभी हम इसको कीमा बोंग, अब ये गार्निश कर रहे हैं हम धनिया की। इसी के साथ दोस्तों अपने उस राजा नईम को इजाज़त दें, अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।